अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं अबू हमीद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक राहगीर। तो दोस्तों, आज हम आए थे वादी अलाई के बुलंद व बाला इलाका अशाड़वन की तरफ। इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूं और ये जो सामने आबादी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये है अशाड़वन की आबादी। मेरे दोस्तों, अशाड़वन का इलाका भी काफ़ी खूबसूरत है। आबादी के लिहाज से तो ये मुंतशिर आबादी है क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पे बुलंद चोटियाँ मौजूद हैं, जिस तरह के सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको शेरगढ़ चोटी कहा जाता है। और बाकी ये है कि यहाँ के मनाजिर भी मुकम्मल कुदरती और ग्रीन मनाजिर हैं। यहाँ पे फल भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और सायेदार दरख्त भी। ये इलाका अपनी बुलंदी की वजह से आपको पूरी अलाई का सैर करा सकता है और यहाँ पर आने के लिए आपके लिए किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। वजह यह है कि हर तरफ से सड़क निकली हुई है और तकरीबन मेयारी सड़कें हैं। यहाँ पर ज़्यादातर डोटियाल कौम आबाद है, जो कि अपनी सखावत से काफ़ी मशहूर हैं और नहायत पुरअमन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दावस मंगा दे प्रोग्राम का उतर आ गई हूं। आना मंगरी दिरा सारा दरस चल चली हूं। और बेजे मनाजिर दी देर कुली मनाजिर दी दत सुख ले शला शाता कोल कुछ ग्राम करी। और पूरी आ तरफ से कुंडे नगा पटी लोदा और दाचे दे दा कुछ ग्राम दे दावाज बबिया जजीमा। ये मैं हूं और ये मेरे सारे दोस्त हैं और हम कोशग्राम कंडो से गुजर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, कोशग्राम वैली और साथ बटीले वैली, ये दोनों जगह भी नहायत खूबसूरत हैं और काफ़ी गुंजानाबाद भी हैं। यहाँ भी सड़कें निकली हुई हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जबकि ये बटीला वैली में एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है, तो अगर कोई यहाँ का विज़िट करना चाहे वो बिल्कुल आसानी से यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। और ये जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटी आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये वाली, तो ये है खापेरो सुकई, जो वादी अलाई की बुलंद तरीन चोटी है। और इसके लिए यहाँ तक जाने के लिए एक दिन ज़रूर दरकार होता है, वो भी बेस कैंप से। तो ये भी नहायत ऊंचाई पर है, हमेशा ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और बादल हमेशा इसके सर पे मंडला रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये है वादी अलाई के खूबसूरत मनाजिर और ये इलाके भी मुकम्मल ग्रीन होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अवाइल है मौसम बहार के, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये इलाके भी नहायत खूबसूरत है।
पहाड़ से उतरकर ये एक चश्मा हमें मिला जिसका पानी काफी ठंडा है। अंदर लोटा भी पड़ा है कि अगर कोई बंदा अपने लिए पानी निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सके। चश्मों के पानी से वादी अलाई माशाल्लाह काफ़ी मालामाल है, मतलब आप अगर आप किसी भी इलाके में जाएं तो आपको चश्मों का ही पानी मिलेगा पीने के लिए, बल्कि हर इलाके को जो स्कीम हुआ है पानी का वो चश्मों के पानी से हुआ है। और ये सामने मदरसा है और ये उसके बच्चे। जबकि ये सामने वादी अलाई का हेड क्वार्टर बना बाज़ार है, जहाँ पे हर किस्म की सहूलियत मौजूद है और पुल के उस पार ये आबादी जो है ये कर गाँव का है और ये वहाँ भी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, मतलब अलाई के ये दो बहुत बड़े बाज़ार हैं जहाँ से लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं।